नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, अंजू का जो मामला है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन नए वीडियोस पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। पहले वो अपने पति के साथ घूमती हुई नजर आ रही थी, एक गाना भी जो है वो उन्होंने अपने पति के साथ फिल्माया था। उसके बाद वो बुर्का पहने नजर आती हैं क्योंकि वो अब इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी हैं। उन्होंने अपना नाम भी अंजू से बदलकर फातिमा रख लिया है। वो वहां पर बुर्का पहने नजर आ रही हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो उनको प्लॉट जो है 40 लाख का एक प्लॉट जो है वो उन्हें गिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि उस पाकिस्तान का जो, वो पाकिस्तान का जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक वीडियो और सामने आया है जिसमें वो अपनी कंपनी में, रियल इस्टेट की उसकी कंपनी है, अपनी कंपनी में वो अंजू को अब नौकरी भी जो है वो दे रहा है। क्या कह रहा है वो, चलिए आपको सुना देते हैं। तल्लुक है और PSG ग्रुप, पार्क स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज और पार्क सिटी, इसका मैं मालिक हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा भी, जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नेम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए और इस्लाम के अंदर वेलकम करने के लिए भी आए। ये तरीकाकार बुनियादी तौर पे हमारे अकाबरीन बुजुर्गों का, हमारे अजदाद का है। पहले वक्तों में भी अगर कोई दीगर मजाहब से कोई लोग मुसलमान होते थे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे आबा अजदाद ये काम करते थे। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि हम जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं तो उसके लिए है। दूसरा हमारा ये था कि जब कोई अदर कंट्री के अंदर जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए घर का होता है, उसकी रिहाइश का होता है। तो चूंकि हमारा पार्क सिटी जो है एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने ये समझा कि हम उसके अंदर इनको अकोमोडेट कर सकें। तो हमने एक छोटी सी काविश, हमारी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल है कि हमने 10 मरला का एक ऑल ड्यूज क्लियर ADC प्लॉट इनके नाम का, इनका डाटा सारा गूगल से हमने लिया इनके नाम का बना के, तो वो आज हमने इनको यहाँ पे आके दिया। बाकी छोटे मोटे कुछ तोहफे हैं, एक चेक है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इनके साथ जितना हेल्प कर सकें ताकि उनको यह एहसास ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कोई मुश्किलात हैं, बल्कि इस पाकिस्तान को अपना घर समझें, इस खत्ते को अपना घर समझें। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, इसके लिए हमें यहाँ पे आना हुआ। मैं बिल्कुल, ये मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास और इदराक हुआ है कि जो नसरुल्ला और उनकी फैमिली है ये बहुत मुखलिस और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन माली लिहाज से इनको यहाँ पे, एक तो ये है कि अदर सोसाइटीज अदर इदारों को इनको बैकअप करना चाहिए, और बिलखसूस जो ये बेचारे थोड़ा सा खौफ हरास का शिकार भी हैं, इनको स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमती, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होंगे, इदारों के ऊपर भी होंगे, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के अंदर जब कोई दाखिल हो जाए तो उसका दिफा करना हमारा हक होता है, अवलीन तरजीह होती है। तो लिहाजा हुकूमत को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर इस। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में अंजू को बेहद प्यार मिल रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 21 अगस्त तक ही जो वीजा है पाकिस्तान का वो अंजू के पास है, उसके बाद वो वीजा खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद वो वहां से भारत वापस आएंगे? जब पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी से इसके बारे में सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि बेशक वो वापस भारत जाएंगी, और अंजू ने खुद भी ये कहा था कि मैं भारत वापस आऊंगी। तो क्या वो भारत वापस आएंगी, और जब वो भारत वापस आएंगी तो क्या उनको परिवार अपनाएगा, जो कि मना कर चुका है लेकिन फिर भी ये सवाल खड़ा होता है, और क्या यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो उनसे सवाल करेंगी, पूछताछ करेंगी, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का मामला आता है तो सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर बातें जो है वो उठनी शुरू हो जाती है। अब दर्शकों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।